हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रचना जाधव। एंड टुडेज टॉपिक इज अबाउट फंक्शंस। यस, एक्सेल के फंक्शंस के बारे में हम लोग जानेंगे। ओनली फाइव फंक्शंस टुडे आई विल डिस्कस विद यू। आपके साथ सिर्फ पांच फंक्शंस में डिस्कस करूंगी एंड दैट आल्सो वेरी इजी इट इज एंड क्विकली यू कैन डू इट। आप लोग जल्दी से कर सकते हो। और जिसको एक्सेल नहीं आता है और उसमें फंक्शंस करना नहीं आता है तो यस, लेट्स गो फॉर इट। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि फंक्शंस या और फॉर्मूलाज में क्या फर्क है। फॉर्मूलाज यानी आप फॉर्मूला जो लिखते हो एंड फंक्शंस आर बिल्ट इन फंक्शंस जो एक्सेल में आपको ऑलरेडी मिल जाते हैं। सो हियर यू कैन सी द बिल्ट इन फंक्शंस। फॉर दैट यू कैन गो बाय इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन, आपको फॉर्मूला बार में मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज फ्रॉम ऑटो सम। ऑटो सम में भी आपको फंक्शंस मिल जाएंगे। बट रिमेंबर ऑटो सम इन दैट ऑटोमेटिकली इट विल डू इट। आप जैसे ही क्लिक करेंगे यू कैन सी इट ओवर योर कि ऑटोमेटिकली एड इट अप, यानी वो अपने आप उसको क्या करेगा दैट इट विल एड द डेटा ओवर देयर। मैं दोनों ही तरीके से बताऊंगी। आई विल शो यू बोथ द वेज। ओके, एंड योर ऑल्सो वी हैव फॉर्मूला टैब। आपको होम टैब तो दिखा दिया मैंने। नाउ यू कैन सी इट ऑन द फॉर्मूला टैब ऑल्सो इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन। और यहाँ फंक्शन की लाइब्रेरी आपको दिख रही है इन विच डिफरेंट कैटेगरीज आर देयर। ओके, तो आप कोई भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग में आप उसमें सिलेक्शन कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट आई विल गो विद द सम फंक्शन। ओके, आप देखते होंगे नॉर्मली वॉट वी डू इक्वल टू करके हम 80 + 85 ऐसा मैं क्लिक कर दूंगी तो वो भी हो सकता है। बट येस वी हैव टू गो विद द फंक्शन। तो आपको याद रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल टू साइन। रिमेंबर दैट यू हैव टू गिव द इक्वल टू साइन एंड आफ्टर वर्ड यू विल गो फॉर द फंक्शन। रिमेंबर दैट द वर्ड मस्ट बी करेक्ट। आप जैसे ही लिखेंगे यू कैन सी मेनी ऑप्शंस ओवर हियर। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे फ्रॉम दैट सम एंड देन यू विल गिव अ ब्रैकेट दैट इज पैरेंथेसिस एंड देन यू विल डू द सिलेक्शन। आप ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हो एंड यू कैन गो विद द सेल एड्रेस ऑल्सो और यू कैन ऑल्सो just selected by the mouse. Okay, if you don't know about the cell reference तो उसके बारे में भी मैं बता दूंगी next time. Okay, if you don't know about the cell reference, I will give you the another video of it for cell reference and how it is helpful to you. Okay, so here bracket मैंने दे दिया closing bracket and then yes press the enter key. आप जैसे ही enter key press करेंगे you can see the total of it that is of max and signs, right? अब आपको यहाँ दिख रहा होगा दैट आई हैव गिवन अनदर नेम्स आल्सो और मुझे इसको भी फिल करना है, राइट? सो आई हैव टू डू अगेन एंड अगेन द फॉर्मूला? नो, नॉट टू डू। सो व्हाट यू हैव टू डू, अ सिंपल मेथड यहाँ आपके पास है दैट यू कैन सी अ स्मॉल प्लस साइन। आपको यहाँ स्मॉल प्लस साइन दिखेगी, उसके ऊपर क्लिक करना है और ड्रैग करके खींचना है। यू हैव टू जस्ट ड्रैग इट एंड यू हैव टू मूव इट टिल वेयर यू वॉन्टेड दिस फंक्शन। तो ये आपको मिल गया। Okay, so you can see the magic of Excel over here with the formulas. Now the next one is over here, that is about the max. Okay, now max yani kya? Maximum. Okay, agar aapko maximum marks dekhne hai, right, of the students, right, in max and science, to aap kya karenge? So you will go with over here or you can also go by insert function option. मैं यहां से जाऊंगी एंड आई विल शो यू द ऑटो सम हाउ इट वर्क्स। तो यू कैन सी मैक्स। ओके, आपने देखा ऑटोमेटिकली दे हैव डन द सिलेक्शन, यहाँ सिलेक्शन हो गया है, राइट? इवन यू कैन, व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ से फिर से ड्रैग करके सिलेक्शन कर सकते हैं बिकॉज वी नीडेड टिल दिस ओनली, राइट? B6 एंड प्रेस एंटर यू विल गेट इट। अब आप सोचेंगे कि साइंस के लिए कैसे करेंगे, सो प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स दैट हाउ यू विल डू, you will find it out the maximum up maximum marks science ke liye kaise find out karenge aur total bhi kaise find out karenge, please give me in the comment box. Next is minimum. ab minimum ke liye kya karenge, again here there is another way that as you can see it over here insert functions. main yahan se bhi aapko bata dungi, right? so you can search for the functions from here. aap search kar sakte ho function ke bare mein, like here I'm searching, I will go for it. आपको यहाँ मिल जाएगा and then click on OK. आप जैसे ही क्लिक करेंगे you will see that it will show the cell address. आपको यहाँ cell address दिखाएगा. So what you have to do, हमें फिर से यहाँ से drag करना है and then you will click on OK. So you will get that the minimum. आपको यहाँ दिख रहा होगा minimum यानी सबसे कम, right?
और मैक्सिमम सबको पता ही होगा कि सबसे ज्यादा. नेक्स्ट इज अबाउट एवरेज. अगर आपको एवरेज फाइंड आउट करना है, लाइक हियर आई वांट टू फाइंड आउट द एवरेज, सो आई विल जस्ट व्हाट आई विल डू, आई कैन ऑल्सो राइट इट. मैं लिख भी सकती हूँ द इक्वल टू करके, आई विल राइट इट. आई हैव शोन यू बोथ द मेथड्स, दैट इज बाय ऑटो सम देन इंसर्ट फंक्शन एंड नाउ आई एम राइटिंग ओवर हियर द फॉर्मूला. द एवरेज देन यू विल गिव अ पैरेंथेसिस एंड नाउ यू विल डू द सिलेक्शन. तो आपको सिलेक्ट कितना करना है, लाइक फ्रॉम मीट टिल गीत, ओके फॉर मैक्स. तो उसके मार्क्स सिलेक्ट करने हैं, नॉट देयर नेम्स. एंड यू विल क्लोज इट द ब्रैकेट. आपको मिल गया एवरेज. एवरेज इज ऑल्सो नोन एज द मीन. आप मीन की तरह भी उसे ले सकते हो, एम ई एन मीन, ओके दैट इज अरिथमेटिक मीन. ओके नेक्स्ट इज अबाउट इफ फंक्शन, सॉरी इफ नॉट काउंट फंक्शन. Now in count function, what is the thing? Count function in that, what is there? That count function is used to count the cells in which numbers are written. आपने जहां number लिखा है वो cells को वो count करेगा. Okay? तो वो cells में cells को count करेगा, not the numbers in that. Okay? तो जैसे मैं यहाँ equal to करके again I will write it count function bracket देंगे and then I will do the selection of the numbers. अब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया. नाउ आई विल जस्ट प्रेस एंटर. सो यू कैन सी कि यहाँ 5 सेल्स हैं. अगर मैं किसी एक को एम्प्टी कर देती हूँ, यानी डिलीट कर देती हूँ, तो क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, दैट इट इज एम्प्टी. सो नाउ यू कैन सी ओनली 4 सेल्स, राइट? यू कैन सी ओनली 4 सेल्स ओवर देयर. ओके सो यू अंडरस्टूड अबाउट इट. नेक्स्ट इज अबाउट ऑल्सो कि आप उसमें अगर लेटर्स लिखते हो, इफ आई एम राइटिंग एनी लेटर ऑल्सो ओवर देयर देन इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड. आप देखो लेटर्स वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट अगेन इफ आई एम राइटिंग ओवर योर नंबर इट विल काउंट इट, राइट? तो वो सेल को वो काउंट करेगा. लाइक यू वॉन्ट टू काउंट द नंबर ऑफ पर्सन, राइट, नंबर ऑफ सेल्समैन. तो आप काउंट कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ द काउंट फंक्शन. आई थिंक दैट आई मेड इट क्लियर वेरी वेल. 5 फंक्शंस ओवर योर. And if you want more functions to know about it, आप comment box में comment कीजिए और मुझे बताइए. And if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.